अस्सलाम वालेकुम माय यूटूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक लाई हूँ आप लोगों ने सुना होगा चैनल हैक हो जाते हैं तो ये यह यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर चैनल हैक नहीं हुआ और मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर चैनल के साथ हुआ क्या है एक बहुत ही मशहूर यूटूबर हैं उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है किसी अपने ने उनके साथ बहुत गलत किया है माशाल्लाह से इतना अच्छा उनका चैनल ग्रो हो रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा था उनका चैनल बट किसी अपने ने उनके साथ धोखा कर दिया उनके साथ हुआ धोखा फ्रॉड तो मैं आपको बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बहुत ही अच्छे माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर की बात कर रही हूँ सोनिया गोपाल माशाल्लाह इतनी ट्रेंडिंग में उनकी वीडियो होती हैं इतनी वीडियो उनकी वायरल होती है माशाल्लाह से तो किसी से ना उनकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने उनका चैनल कर लिया ना हैक किया चैनल कर लिया चोरी आप बोलेंगे मैं चोरी चोरी बोल रही हूँ जी उनका चैनल हुआ ही ये चोरी हैक नहीं किया चोरी किया अब मैं आपको डिटेल्स बताऊँगी कि उनके साथ हुआ क्या उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि उनके साथ हुआ क्या उन्होंने एक बहुत ही अपने फ्रेंड कह या उनके रिलेटिव रिलेटिव तो नहीं रिलेटिव तो नहीं सॉरी रिलेटिव नहीं उनके फ्रेंड समझने आप उनके उन्होंने उनके साथ ये धोखा किया है उन्होंने उन उन्हों पर ट्रस्ट करके उनको अपनी आईडी और अपना आईडी का पासवर्ड दे दिया था किसी प्रॉब्लम की सूरत में उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम ठीक करने के लिए अपनी आईडी और आईडी का पासवर्ड दे दिया था उन्होंने इसका उठाया नाजायज फ़ायदा उन्होंने जब से ही अपनी जी मेल पे उसको कन्वर्ट कर लिया उनके चैनल को और जब से ही वो उनको पता ही नहीं था बेचारे गोपाल भाई को वो जब से ही आठ नौ महीने से ही उनको नहीं पता था कि उनका चैनल उनके पास है ही नहीं इतने सीधे साधे बंदे हैं वो गोपाल भाई हर किसी के हर किसी को सपोर्ट करते हैं इतना वो तो मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ इतनी उन्होंने कामया अपनी मेहनत की चैनल पे और आखिर में आके जब उनका चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह से ग्रो होना शुरू हुआ माशाल्लाह से तो उन, उन जिन्होंने उनका चैनल चोरी किया उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो उनका चैनल हो गया चोरी तो चोरी कैसे हुआ यह है कि आप बोलेंगे अभी तक तो, तो चला रहे थे फिर चोरी कैसे हो गया तो उनके चैनल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी आ रही थी प्रॉब्लम जैसे वो माशाल्लाह लोगों को सपोर्ट करते हैं तो वो जब सपोर्ट के लिए लिंक देते थे किसी चैनल का तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में डालते थे तो अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डालते थे तो वो थोड़ी देर बाद लिंक चेंज हो जाया करता था लिंक चेंज किस कैसे होता था उनको नहीं समझ आ रहा था उन्होंने एक और यूट्यूबर है उनसे कॉन्टैक्ट किया उनसे बात की उन्होंने उनका चैनल जब जिसका चैनल होता था ना वो चैनल नहीं रहता था वो जिन्होंने उनका चैनल चोरी किया वो उन, उनका लिंक आ जाया करता था तो ये ये सारा सीन ये है कि वो अपने चैनल पे मैनेजर थे उनके मतलब ऑनर नहीं थे वो चैनल के उनको मैनेजर बना दिया गया था तो मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि उनके साथ ये सीन हुआ है अल्लाह ताला उनको जो उन्होंने अभी नया चैनल बता बनाया अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करेगा इन शाला तिस ने भी लिया है कोई बात नहीं अल्लाह ताला उसका भला करे उसका हम तो उसके लिए दुआ करेंगे बट किसी को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान ट्रस्ट करता है किसी को किसी का ट्रस्ट ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए फिर ऐसे बंदा जो अच्छे लोग होते हैं ना बंदा उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता तो प्लीज़ आप लोग भी ख्याल करें किसी को अपनी आई पासवर्ड आजकल तो बंदा किसी अपने करीबी पे भरोसा नहीं कर सकता तो किसी को आप अपना चैनल और आईडी देते भी हैं तो बाद में आप चेक करें कि आप उसके ऑनर हैं भी या नहीं है आपको ऑनरशिप से हटा दिया गया है अल्लाह ताला गो गोपाल भाई और सोनिया भाभी को दोबारा कामयाब करें खैर उनको अब ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला ख़ुद उनको इतना कामयाब करेगा तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें आज फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह वीडियो बनाई है प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगी कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी उसके लिए माजरत क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो के साथ हाज़िर होंगी दोबारा अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़